चैनल विजन केमिकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस टॉपिक सॉलिड स्टेट के अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो आपका अगला चैप्टर है वह है ठोसों के प्रकार। तो ठोसों के प्रकार ज्यामिति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? तो आपके ठोस ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के हैं। पहला आपका है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला आपका है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड आपका है अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। टू टाइप्स के आपके ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनमें हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें भिन्नता क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। तो इसके अंतर के बारे में हम समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस और यहाँ पर रहेगा अक्रिस्टलीय ठोस, इनके हम गुण में भिन्नता हुए देखते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या भिन्नता होती है, क्या अंतर होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस के हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सोडियम और क्लोरीन की व्यवस्था कुछ ऐसी होगी, इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें आप देखते हैं क्या यहाँ पे आपकी जो व्यवस्था होगी, क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था जो होती है निश्चित व्यवस्था होती है एवं क्रमिक व्यवस्था होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था निश्चित एवं क्रमिक होती है एवं अभिलाक्षणिक व्यवस्था पाई जाती है। निश्चित क्रमिक एवं अभिलाक्षणिक व्यवस्था होगी कि क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था। वही आप क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल लेते हैं तो आप क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल रबड़ है। रबड़ इसका एग्जांपल है। रबड़ में जो होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम अरेंज होते हैं, यादृच्छिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इसलिए आप क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है अनिश्चित होती है, इसकी अनिश्चित व्यवस्था के बारे में देखते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें कणों की व्यवस्था निश्चित एवं क्रमिक होती है, इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। गलनांक एवं क्वथनांक क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है क्योंकि इसमें कणों की जो व्यवस्था होगी क्रमिक व्यवस्था होती है, इस प्रकार से इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो कण की व्यवस्था है वो यादृच्छिक होती है, इसलिए इनमें गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है, गलनांक एवं क्वथनांक होता है, अर्थात इनकी एक परास होती है। गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है अर्थात इसकी एक रेंज होगी, परास होगी, परास में इनके गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक इनके परास में होते हैं, रेंज में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे रबड़ आपका एग्जांपल है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस आप रबड़ के एग्जांपल में जैसे आप किसी के टायर का एग्जांपल लेते हैं तो उसे एक वो एक ही टेम्परेचर पर क्या होता है, ना ही पिघलता है और ना ही तेजी से मेल्ट होता है। तो एक निश्चित तापक्रम नहीं होता इसका, एक रेंज या शीतलन वक्र की बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जल का एग्जाम्पल लेंगे क्रिस्टलीय ठोस के समझने के लिए, कि जल के एग्जांपल हम वाई अक्ष पर तापमान लेते हैं और आपके यक्स अक्ष पर टाइम लेंगे, समय लेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कोई जल है, कोई जल का अगर भाप है उसे हम ठंडा करें, जैसे कोई 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसे हम ठंडा करते हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, फिर आपका 110 होगा और फिर आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि जो भाप है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा, मेल्ट होना शुरू, परिवर्तित हो जाता है। इसे इस यह स्थिति होगी 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने पर पूरी भाप जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा ये धीरे धीरे बर्फ में परिवर्तित होना शुरू होगा और टेम्परेचर नीचे गिरता जाएगा 90-80, इस प्रकार से 70-60-50 करके इस प्रकार से टेम्परेचर गिरेगा और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है ये आपका बर्फ में जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थिति प्राप्त होती है, क्रिस्टलीय ठोस में अवस्था परिवर्तन होता है, इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका जो शीतलन तत्व वक्र प्राप्त होता है, डिसकंटिन्यूअस आपका कर्म प्राप्त होगा, असतत वक्र प्राप्त होता है। और हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपके क्या होते हैं, घटक कणों की व्यवस्था पता है आपको, रैंडम होती है, यादृच्छिक होती है, इसलिए जो इनका
जिनके अगर हम वक्र की बात करें, इनके जो शीतलन वक्र है इस प्रकार से सतत वक्र प्राप्त होता है। तो आकृषलीय ठोस का जो वक्र होगा वो सतत वक्र प्राप्त होता है, कंटिन्यूअस कर्व निर्माण। क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे आपके ठोसों के गुण में है प्रकृति क्या होगी, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति क्या होती है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस की आपकी प्रकृति होती है, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं आपके वास्तविक ठोस होते हैं, इनके घटक कणों की व्यवस्था निश्चित एवं क्रमिक होगी, इसलिए आपके वास्तविक ठोस होते हैं। वही आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो आपका आभासी ठोस होता है, स्यूडो सॉलिड होता है, आभासी ठोस होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कणों की व्यवस्था। जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस में कण की व्यवस्था देखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे कण की व्यवस्था होगी, तो क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित एवं क्रमिक व्यवस्था होती है। इसी आधार पर जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं ये दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इनके जो कण होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, जबकि वही अक्रिस्टलीय ठोस के जो कणों की व्यवस्था होगी वो लघु परासी व्यवस्था होती है, अर्थात शॉर्ट रेंज ऑर्डर में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो आपकी क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होती है। दैसिकता की क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में एक गुण पाया जाता है जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, दैसिकता गुण है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिक होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो विषम दैसिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आपके समदैसिक होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने शुरू में आपके एग्जाम्पल लिया था सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या होगा, विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं, एजियोट्रॉपिक नेचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आपके किसी एक लाइन में आप इस प्रकार से व्यवस्था देखिए, हम किसी एक तरफ से देखते हैं तो घटक कण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर सोडियम आयन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लोराइड आयन दिख रहे हैं, जबकि इस प्रकार से घटक कण की व्यवस्था हम देखें, इस डायरेक्शन से देखें तो घटक कण की व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है। तो आपका जो विषम दैसिकता गुण ये है कि हम भिन्न भिन्न दिशा में देखने पर अगर उस क्रिस्टल के गुण में भिन्नता पाई जाए तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो विषम दैसिकता कहलाती है। एग्जाम्पल हम समदैसिकता में समझ सकते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल लिया था आपका रबड़ का एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो घटक कण की व्यवस्था है किसी भी आधार पर देखें तो ये रैंडम व्यवस्थित हैं, इनके घटक कणों की व्यवस्था है क्राउड है भीड़ है, तो घटक कणों की व्यवस्था सेम उसी प्रकार से होगी, तो ये आपका जो नेचर होगा वो समदैसिकता कहलाता है। विषम दैसिकता आपके कुछ भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे अपवर्तनांक, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा प्रकाश चैप्टर में, अपवर्तनांक एक गुण है जो विषम दैसिकता प्रदर्शित करता है, अर्थात उसे हम जिस अलग अलग एंगल से देखते हैं, जिस कोण से देखेंगे उस प्रकार से वो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति की विषम दैसिकता का गुण कहलाती है। भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर किसी क्रिस्टल की जो दिशा होगी अगर वो भिन्न भिन्न प्रदर्शित होती है तो आपकी विषम दैसिकता कहलाती है, जबकि सम आपके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैसिकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैसिकता प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।